नहीं एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट आर्टिफिशियल है सारी की इज्जत है सोडियां ले आनी है नहीं नहीं एक मिनट यार एक मिनट ठीक है मैं भाई आप देखिए ये सब अंगूठियां जो है ना ये इनके बैग से आर्टिफिशियल मिली हैं ये धोखा कर रही है सबके साथ ये इस सोने की अंगूठियां उठा के जो है ना ये इस आर्टिफिशियल ये उठा के ये डब्बों में लगा देती हैं आर्टिफिशियल और सोने की अंगूठियां उठा रहे हैं ये ठीक है ना ये इनकी वीडियो भी इंशाल्लाह नेट पर भी चढ़ेगी और ये धोखा दे रहे हैं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या नज़र आए यानी कि लड़की चोरी करते हुए पकड़ेगी या चोरी करने से पहले ही पकड़ेगी, तो हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में लड़की ने चोरी नहीं की लेकिन वो चोरी करने का इरादा रखती थी और वो अपने साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी घर से लाई थी, लेकिन दुकानदार को जब इस पे शक हुआ तो उसने उसकी तलाशी ली जिसमें उसके पर्स से कुछ आर्टिफिशियल अंगूठियां बरामद हुई जिसके बुनियाद पर उसे अरेस्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ लड़की भी अपनी जगह ठीक है कि उसने चोरी नहीं की यानी कि उस पर जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन दुकानदार भी अपनी जगह ठीक है कि इस तरह की वारदातें बहुत ज्यादा हो रही हैं शहरों में देहातों में हर जगह पे इस तरह की वारदातें हो रही हैं यानी कि लोग अपने साथ जाली सोना लेके आते हैं और उसे देखते ही देखते चेंज करके शॉप से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों इस सूरत में दुकानदार इस औरत के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, वो इसलिए क्योंकि औरत चोरी करते हुए नहीं पकड़ेगी यानी कि उसके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ, इसलिए औरत बेकसूर है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हर तस्वीर का एक दूसरा रुख भी होता है, इसी तरह इस औरत ने कोशिश तो की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी यानी कि दुकानदार भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।